नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में इस महामारी की मार बढ़ती ही जा रही है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में रोजाना नए मामलों का नया रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार को 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए। ये एक दिन में नए मामलों का विश्व रिकॉर्ड है। अमेरिका में बुधवार को 52,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। इस देश के 50 में से 37 प्रांतों में महामारी तेज गति से अपने पांव पसार रही है। अगर आज की बात की जाए तो पूरे अमेरिका में 28,91,267 लोग संक्रमित हैं और लगभग 1,32,112 लोगों की मौत हो चुकी। इसी बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड किम्बली गुइलफॉयले कोरोना संक्रमित पाई गई। ट्रंप के अभियान की वित्त समिति के चीफ ऑफ स्टाफ सर्जियो गोर ने बताया कि संक्रमित पाए जाने के बाद गुइलफॉयले को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया। कोरोना है या नहीं इसलिए एक बार फिर दोबारा जांच की जाएगी क्योंकि उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं। गुइलफॉयले की तबीयत ठीक है और उन्होंने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। गोर की माने तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संक्रमित नहीं पाए गए, लेकिन एहतियाती तौर पर उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया। अब देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड और ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या नहीं। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा।